ललित जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भाई, आपसे मिलके और इस माहौल में मिलके बड़ा मज़ा आ रहा है। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए हमारे पास। जी जी ज़रूर ज़रूर। तो इसी शॉर्ट फिल्म इनके बारे में आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आजकल बहुत सी शॉर्ट फिल्में बन रही हैं, वेब सीरीज़ बन रही हैं, बड़े बड़े कलाकार भी इसमें शिरकत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये जो शॉर्ट फिल्में और वेब सीरीज़ बन रही हैं, इसके विषय में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि समाज में जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, इनर नीड है ना, आंतरिक आवश्यकता जब होती है जी, तो तब वो चीज़ आ जाती है, क्योंकि उसको चाहने वाले बहुत लोग होते हैं जी। देखिए, वक्त था कि जब थिएटर और सिनेमा सिर्फ यही दो चीज़ें थी, टेलीविज़न बड़े पैमाने पे नहीं था जी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि टेलीविज़न का इतना बूम हुआ और उसमें काम करने वाले लोग अचानक इतनी बड़ी तादाद में कैसे आ गए? चूँकि वो ज़रूरत पैदा हो गई थी। इतने लोग थे जो सिनेमा से आकर्षित थे, लेकिन हर कोई तो सिनेमा में जा नहीं सकता। उसमें एक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, है ना, आर्ट डायरेक्टर्स हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, इतने सब लोग हैं, क्रिएटिव लोग पनप रहे थे जी जी। तो वो क्या करते, सिनेमा उनको भर नहीं रहा था, तो उसका एक ऑल्टरनेट आ गया, टेलीविज़न। अब आप देखिए, पिछले 20-25 साल में पोस्ट लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के बाद जब भारत में भी और इस सब कॉन्टिनेंट में भी इकोनॉमिक बूम आया जी, पैसा आया, पैसे से पैसा बनता गया, तो उसकी और ज़रूरत बढ़ती गई, किसकी, आर्ट की। तो बहुत लोग आर्ट की तरफ रुख करते हुए आपको दिखाई देंगे, खासकर यंगस्टर्स। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स डेवलप हो रहे हैं जहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, फिल्म्स की है, कैमरा की है, आर्ट डायरेक्शन, म्यूज़िक जी जी। तो अब ये लोग जो तैयार हो गए हैं जी, तो इनकी खपत कहाँ और कैसे? तो देखिए, ये प्रकृति ने एक नई विधि ढूंढ के दे दी कि शॉर्ट फिल्म एक माध्यम है, वेब सीरीज एक माध्यम है, नेट एक माध्यम है। तो एक नया एवेन्यू ढूंढा गया जी, जिसमें बहुत से नए लोगों को काम करने का मौका मिला। तो आप इसको मानते हैं कि ये बहुत अच्छा माध्यम है प्रमोट करने के लिए आर्ट और इन सब चीज़ों के लिए? हाँ हाँ, देखिए क्या है, विज्ञान का युग है, विज्ञान का दौर है, टेक्नोलॉजी से आप पीछे भाग नहीं सकते जी। टेक्नोलॉजी में जो भी एडवांसमेंट होती जाएंगी जी, आप उसको नकार नहीं सकते। अब ये टेक्नोलॉजी पूरी मानव सभ्यता को कहाँ ले जाएगा, ये हम कह नहीं सकते, लेकिन ये डेवलपमेंट होता रहेगा और उससे नई नई चीज़ें पैदा होती रहेंगी और इम्प्रूवमेंट होती रहेंगी। जो देश और जो समाज उस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ता जाएगा, तो वो ही तरक्की करेगा। आपने दूरदर्शन में भी बहुत काम किया है, काफ़ी समय तक काम किया है और उसके बदलते हुए वक्त को भी बहुत करीब से देखा है। जहाँ तक प्राइवेट चैनल्स की बात करते हैं कि उन्होंने दूरदर्शन को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया जिस तरह का है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो बदलाव है, एज एन एक्टर आप क्या महसूस करते हैं, आपको कैसा लगता है इसमें, ये क्या है? देखिए, इसमें आपने दो तीन बातें कही हैं, उसमें एक में तो थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगा कि दूरदर्शन को ख़त्म नहीं किया है। यहाँ पे इवन TRP वाइज और क्या कहते हैं रेंज रीच वाइज दूरदर्शन अभी भी सबसे पावरफुल है। दूरदर्शन की रेंज और दूरदर्शन की रीच अभी भी सैटेलाइट टेलीविज़न के मुकाबले ज़्यादा है, लेकिन वो उतना रेवेन्यू नहीं दे रहा है जितना सैटेलाइट देता है या दे सकता है। वो अलग बात है, क्योंकि उसको पूरी तरह से प्राइवेटाइज नहीं हुआ है, ये एक बहुत बड़ी वजह है। तो वो जो आपने बात पूछी कि दूरदर्शन और फिर सैटेलाइट टेलीविज़न, इसमें जो एक चेंज आया वो अगेन इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है। आप देखिए, लिबरलाइजेशन, प्री लिबरलाइजेशन और पोस्ट लिबरलाइजेशन आप देखेंगे तो आपको ठीक एक बहुत बड़ा डिवाइड दिखाई देना जी जी जी। पहले हम दूरदर्शन के सीरियल्स क्यों ज़्यादा पसंद करते थे, वजह ये थी कि एक ही चैनल था और समाज उतना ज़्यादा अपर मिडिल क्लास वैल्यूज़ की ओर दौड़ नहीं रहा था। मिडिल क्लास वैल्यूज़ हावी थी और मिडिल क्लास वैल्यूज़ के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट, जो समस्याएँ, जो इशूज़, जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, उसको लेकर जो कहानियाँ बनी वही पसंद की गई। हाँ, करेक्ट करेक्ट। अब ये जो चेंज आया, इसमें बाजार हावी हो गया। बाजार हावी होने का मतलब ये है कि एक जो नया कल्चर थोपा जा रहा है जी, उसको प्रमोट करने के लिए भी टेलीविज़न का इस्तेमाल हुआ है। आप
उसको देख सकते हैं बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, प्रोडक्ट्स ही बिक रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, गाड़ियां हैं, चैनल्स हैं, तो जो भी है आधुनिक युग की चीज़ों को बेचने का एक माध्यम सैटेलाइट टेलीविजन। नहीं बिल्कुल मैं ये समझ में, लेकिन मैं जानना ये था कि एज एन एक्टर ये कहाँ तक, मतलब आप जैसे जहीन और आप जैसे मतलब डेप्थ वाले रोल करने वाले एक्टर, और जो आज प्राइवेट में जिस तरह से चल रहा है प्राइवेट चैनल्स में, ये आप किस तरह से इसको पाते हैं कि ये कहाँ तक सही है या क्या है ये जानना? हाँ, इसमें समस्या तो आई हम लोगों को भी, हर तरह से समस्या आई, लेकिन बट जीवन में सर्वाइव करना है तो एक बैलेंस बना के चलना है कि पूरी तरह से हम बिकाऊ एक्टर भी नहीं बने जी, और पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं किया, और हमेशा जो अच्छे रोल और संजीदा रोल थे जी उन्हीं को चुना। अब एक पेशेवर एक्टर के रूप में अगर जीना है तो आप पूरी तरह से, वो कहावत है ना, अगर घोड़ा घास से यारी या करेगा तो खाएगा, तो खाएगा क्या जी, जी जी तो आप घास से यारी भी नहीं कर सकते जी, जी। तो कुछ तो आपको जैसा देश वैसा भेस मान के चलना ही पड़ेगा जी जी जी। लेकिन फिर भी हमने अपने आप को पूरी तरह से बिकने से बचाया ही है, मैं ऐसा मानता हूँ जी, और हमेशा उस तरह के रोल किए हैं जो अच्छे कंपनीज और अच्छे लेखक द्वारा लिखे गए हों और अच्छे प्रोडक्शन हाउस द्वारा बनाए गए हों जी जी जी। अभी ये जो इस शॉर्ट फिल्म के उसमें हम आपसे मिले हैं, तो यानी ये द लास्ट रिहर्सल, इस शॉर्ट फिल्म की बात करें तो इसको करने की आपकी कोई रोचक वजह बताइए। इसका जो फंडामेंटल आइडिया ही है वही रोचक है, क्योंकि ये सबटेक्स्ट के रूप में एक ऐसे कलाकार की कहानी है जिससे बहुत लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ये तो उस समय की बात है, गुरुदत्त की कौन सी फिल्म है वो, कागज़ के फूल हाँ, तो उस तरह के राइटर डायरेक्टर की बात, ये भारत में ही नहीं विदेश भर में ये एक यूनिवर्सल इशू है एक ऐसे आर्टिस्ट के साथ जो अपने आर्ट के ज़रिए ज़िंदा रहना चाहता है, समाज में जगह बनाना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ अपने परिवार को पालने की कोशिश में एक फेलियर के रूप में खुद को ही देखता है। तो ये छोटी सी कहानी में ये बात कही गई है, तो यही इसकी रोचकता है। अच्छा, तो क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी मैं ललित जी एक ये है कि ऐसे अभी तो आपको हम एक्टर ये सब जानते हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोग सभी लोग जानते हैं कि आप एक गुरु भी हैं, यानी टीचर हैं और एक्टिंग सिखा रहे हैं, अभिनय योग सिखा रहे हैं जी, जी। उस लिहाज से आज की जनरेशन में ये जो एक्टिंग का करियर है इसको कितना सीरियसली ले रहे हैं या कितने हार्डवर्किंग हैं आज के एक्टर, वो एक लास्ट क्वेश्चन है जो हम आपसे जानना चाहते हैं। लास्ट रिहर्सल में लास्ट क्वेश्चन जी 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 नहीं, सवाल तो सही है, बट जो इसका जवाब है वो यूथ के साथ एक प्रॉब्लमेटिक एरिया इसी फील्ड में नहीं है, सब जगह है, यूथ बदल चुका है। आप भी जब यंग थे, यंग तो आप अभी भी हैं, शुक्रिया शुक्रिया और हम हमारे से पहले की जो जनरेशन है वो जब यंग रही, हमारा जो यूथफुल फेज था या हमसे 10 साल छोटे जो यंगस्टर्स रहे हैं, और अब जो 20-25 साल या 30 साल छोटे जो यंग लोग हैं, उनमें परिवर्तन आ चुका है। परिवर्तन ये है कि एवरीबडी इज चेजिंग बिग सक्सेस एंड दैट टू इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ये एक आइडियल बन चुका है, और किसी के पास इतना पेशेंस नहीं है कि वो ठीक से किसी भी आर्ट फॉर्म को सीरियसली सीखे, जबकि कोई भी आर्ट फॉर्म जो है उसको सीखने में 5 से 7 साल लगते ही हैं, चाहे वो एक्टिंग ही क्यों ना हो। म्यूज़िक और डांस का तो पता ही है सबको, पेंटिंग का भी पता ही है, लेकिन लोग समझते हैं कि एक्टिंग 3-4 महीने में सीखी जा सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा भ्रम है। तो इतना पेशेंस सब में नहीं होता। अब एक्टिंग के साथ एक अच्छी बात या बुरी बात ये भी है कि अगर आपका चेहरा मोहरा ठीक है, कद काठी अच्छी है, तो बहुत लोग आपको एक्टर के रूप में खड़ा कर सकते हैं और आपको किसी न किसी रोल में फिट करवा सकते हैं जी, जी। तो इसीलिए बहुत सारे नॉन एक्टर्स भी एक्टर बनते जाते हैं और धीरे धीरे बहुत से समझदार डायरेक्टर्स उनसे काम भी ले लेते हैं, तो ऐसा भी एक ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो पर ये नुकसान नहीं है क्या इस तरह से, जो वाकई मेहनती और जिनके पास बैकअप नहीं है दैट कि वो आगे बढ़े? ये इस प्रोफेशन का एक ड्रॉबैक है, लेकिन साथ में प्लस पॉइंट भी यही है कि आपको ऐसे लोग चाहिए जो दिखने में अच्छे हों, क्योंकि फाइनली ऑडियंस के नज़र से एक्टर दिखता है, क्योंकि वो एक वस्तु व्यक्ति के रूप में जी, चाहे वो टेलीविज़न हो चाहे वो सिनेमा हो जी, और चूँकि सिनेमा और टीवी दोनों ही टेक्नोलॉजिकली बनती है, वो खुद कितना टैलेंटेड है आप तो जानते ही, शॉर्ट्स
कट कट के ही लिया जाता है, जी जी, 20-20, 25-25 टेक भी हो सकते हैं किसी ऐसे एक्टर के साथ जो नया है, जी जी, तो उसको ग्रूम किया जाता है। तो ये इसका प्लस माइनस दोनों ही है। लेकिन जो आपका मेन सवाल था यूथ को लेके, वो हम भी एक्सपीरियंस करते हैं एज ए टीचर कि स्टूडेंट्स में पेशेंस नहीं है, वो जल्दी सीखना चाहते हैं और जल्दी जल्दी बहुत ऊंची छलांग मारना चाहते हैं और ऊंचे मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, जो कि मतलब ओवरनाइट सक्सेस की कहानियां तो मैंने तो नहीं सुनी। जिसकी ओवरनाइट सक्सेस होती है वो भी पिछले 5-7 साल से संघर्षरत होता है। जी जी जी, नहीं नहीं बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छे आपने सवाल हमें जवाब दे दिए इसके। एक बस लास्ट ये है कि लास्ट रिहर्सल में हमें खुशी है कि आपसे ऐसे मुलाकात हुई और आपने ये क्वेश्चंस जो हम वाकई अपनी ऑडियंस को बताना चाहते थे वो आपके ज़रिए हम बता सकते हैं। ये जो आपके जो सवाल, उसके लिए मैं एक निदा फाजली का शेर कह के ये आज की ये समाप्त कर दूंगा। ये जो सितारों की तरह आपके जवाब आए उसके लिए, तो वो एक निदा साहब का एक शेर है। इस माहौल को, इस पूरे उसको, इन सितारों को अपनी आंखों में महफूज रखना, दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। शुक्रिया, क्या बात, ललित जी, धन्यवाद जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच।